नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। जम्मू जिले का एकमात्र ऐसा पर्यटन क्षेत्र जो लगभग विगत कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों पूर्व से यहां पर लोग आ रहे हैं लेकिन इसका आनंद नहीं उठा पा रहे थे, अब जबकि वन विभाग की नज़र पड़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार लाने का इसमें प्रयास भी किया जा रहा है। आगामी कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी प्रोग्राम है जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि नागी डैम का सबसे लुफ्त उठाने वाला आनंद नौका विहार में, जो जिस पर पाबंदी लगाई गई है कि उस पर आम आदमी किसी प्रकार की उस नौका विहार का आनंद नहीं उठा सकते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी या अन्य कोई पदाधिकारी होते हैं तभी उसका लुफ्त उठाया जाता है। आपको बता दें कि अन्य आदमियों के लिए यहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहां पर एक बार आपको आकर अवश्य देखना चाहिए। विभिन्न विभाग के पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के पदाधिकारी आकर यहां पर इसका आनंद उठाते हैं। हम आपको विभिन्न बहुत सारे छोटे छोटे विजुअल्स दिखाएंगे जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इस नागी डैम को विकासशील बनाने के लिए और इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार ने और कौन कौन से कार्य किए और लोगों ने अपने वक्तव्यों में क्या क्या कहा है। यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ लोगों को जरूरत की उपलब्धता वहाँ पर होनी भी चाहिए और प्रशासन को किस प्रकार से अपनी नज़र आकृष्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए, ये पक्षी अभयारण्य बिहार के लिए एक बहुत बड़ा असेट है जी, और आप इसमें इतने रेयर बर्ड्स देख सकते हैं। हो सकता है आप ऑर्निथोलॉजिस्ट न हो, आपको उतना पक्षी विज्ञान के बारे में जानकारी न हो, लेकिन आप यहाँ की नैसर्गिक छटा को देखेंगे जो लगभग अनछुई सी है, तो आपको एक साथ पोएटिक भी हो जाएंगे और नेचर लवर भी हो जाएंगे। जी जी जी, ऐसे जितने भी रिजर्व हमारे यहाँ हैं उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि आने वाले महीने में, इसी महीने में इनफैक्ट 15 तारीख को जी जी, यहाँ बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो पूरे भारत से बर्ड साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे। हाँ, यूको वन समिति के मैं अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, और मेरे यहाँ करीबन 150 प्रजाति विदेशी पक्षी आए हैं अभी। अच्छा, और इन साल हर साल के अपेक्षा इस बार बहुत अच्छा पक्षी है सर। का भी कार्यक्रम जी, जी जी जी, शायद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम उम्मीद है सर। एकड़ में होगा ये डैम? ये सर, हाँ सर, 490 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। 490 हेक्टेयर, हाँ, नागी, और 510 हेक्टेयर में आपका नकटी है, जिसमें सरकार अभी इसको 198 हेक्टेयर 58 पॉइंट दिया है। हमारा डैम का लंबाई 2 किलोमीटर है सर, और चारों बगल अगर घूमे तो 15 से 18 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है जी। तमाम आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।